टंग बाइट, जबान का कट जाना, अक्सर छोटे बच्चों का यह कंप्लेंट होता है कि अचानक उनको खाना खाते वक्त या तो जबान कट जाती है, थोड़ा सा वहाँ पे बाइट हो जाते हैं टांग पे, या सोते वक्त भी, खासकर एल्डरली लोगों को भी टांग बाइट हो सकती है, पर्टिकुलरली एक्यूट स्ट्रेस में जब टांग बाइट हो सकती है, खासकर सीजर्स यानी कि जब एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं तो टांग बाइट हो जाती है। अब डिपेंड करता है टांग बाइट कितनी सीवियर है, ज़्यादा बड़ा कट तो नहीं लगा, कभी कभी स्टिच तक भी देने पड़ सकते हैं, पर्टिकुलरली वो जो टांग बाइट है जब सीजर्स के बाद हो जाती है यानी कि एपिलेप्टिक फिट्स के बाद हो जाती है, तो उस वक़्त बिल्कुल फर्स्ट एड करना इजी है। टांग बाइट तकरीबन डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ता है, लेकिन एक ये शो करता है टांग बाइट के वाकई अंदर से कुछ फॉल्ट है, क्योंकि खासकर जो ज़बान है, ज़बान को संभाल के रखना भी होता है। कहाँ पे ज़बान को संभाल के रखना होता है, इसको बोलते हैं टंग पोजिशनिंग। टंग पोजिशनिंग क्या है, नॉर्मली हमें ज़बान को जो ऊपर वाला जबड़ा होता है यानी कि इसको रूफ बोलते हैं, इसमें आगे इंसाइजर्स टीथ होते हैं, टच करके रखनी होती है ज़बान को, न कि फ्लोर पे यानी कि नीचे नहीं रखना होती है, और बिल्कुल दांतों के साथ टच नहीं करना होता। थोड़ा ये एक दो तीन पोजीशन जो मैं एक फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे ज़बान को रखा जाना चाहिए। सो पोजिशनिंग ऑफ टंग जो है वही इम्पॉर्टेंट है, वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़बान को संभाल के भी रखना होता है। ये ऊपर वाले जबड़े में यानी कि जो रूफ होता है उसके साथ टच करके रखना होता है, और अगर आपकी पोजिशनिंग ठीक होगी तो टंग बाइट तकरीबन बहुत कम चांसेस हैं। कहीं आपको स्पोर्ट्स इंजरीज में भी टंग बाइट हो सकती है। अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक होगी, अगर आपने ज़बान को ठीक तरह संभाल के रखा होगा, एनाटॉमिकली स्पीकिंग अगर ज़बान को ठीक तरह संभाल के रखा होगा तो टंग बाइट इतनी सीवियर नहीं होगी। जब आप सो रहे होते हैं तो ज़बान को हार्ड पैलेट के साथ ऊपर वाले जबड़े के साथ वहाँ पर रखना होता है, और आपके जो लिप्स हैं वो बंद होने चाहिए, और जो टीथ अपर वाले और नीचे वाले जो टीथ हैं बिल्कुल एक अलाइनमेंट में रेस्टिंग पोजीशन पे होने चाहिए। अपने ज़बान का जो पोस्चर मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। कई लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन इस ऑडियो वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि टंग पोजिशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कुछ टंग फॉल या स्लीप ब्रॉक्सिज्म, जब दांतों को आपस में टक्कर लगना उसको स्लीप ब्रॉक्सिज्म बोलते हैं, एक एक्यूट साइकेट्रिक कंडीशन भी होती है ये, और इसमें बिल्कुल अपने आप को बैलेंस्ड और रिलैक्स स्टेट में रखने की ज़रूरत होती है। जॉस को भी अगर वो रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं होंगे तो टंग बाइट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल जो टंग की पोजिशन है, ज़बान की पोजिशन है, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में और प्रॉपर अलाइनमेंट में अगर रखेंगे तो टंग बाइट के इंसिडेंट्स बच्चों में या एल्डरली में कम होंगे। खासकर जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी तो टंग बाइट हो सकती है, बाकी खाते पीते भी कहीं ना कहीं अगर अलाइनमेंट नहीं होगी। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, अपनी टंग को जो है ज़बान को ऊपर वाले जबड़े में रखा करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ज़बान को प्रॉपर पोजीशन पे रखने के लिए तो बिल्कुल आपका ये टंग बाइट के जो इंसिडेंट्स हैं वो कम होंगे। यही मेरा क्रक्स है आपसे बात करने का कि टंग पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टंग बाइट।